कमाल करते हैं तुम्हारे माँ बाप, आजकल तो 10,000 में पार्टी डिनर भी नहीं होता, और वो 10,000 रुपये दे के ऐसे एहसान जता रहे जैसे 10,00,000 रुपये दे दिए। चला क्या हो गया, मतलब हो सकता है कि वो वाकई सच कह रहे हो कि उनके पास पैसे नहीं हैं। मैं मानती ही नहीं। क्यों, तुम्हारी और आफरीन की तनख्वाह जाती कहाँ है? और वैसे भी इस घर का किराया तो कोई है नहीं, और ना ही तुम्हें या किसी और घर के फर्द को कोई खर्चा मिलता हो। हाँ, बिजली या गैस के छोटे मोटे बिल्स होते होंगे, और ज्यादा से ज्यादा किचन का सौदा सही। बाकी पैसे जाते कहाँ हैं? कह तो तुम ठीक रही हो अब, लेकिन शाला मैं अब्बा के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। अरे तुम्हारा हक है, बात जबरदस्ती की नहीं है, बात तुम्हारे हक की है। और वैसे भी तुम्हारे अम्मा अब्बा ने आफरीन की शादी के लिए कुछ तो जोड़ के रखा होगा। हाँ वैसे अगर मुझे सही से याद हो तो अब्बा ने कोई 10 साल पहले आप ही और आफरीन के लिए एक पॉलिसी ली थी। आप ही को तो उनकी पॉलिसी शादी के वक्त मिल गई, आफरीन को तो अभी तक उसकी पॉलिसी नहीं मिली। अरे मेरे भोले भोले मासूम से शोहर, अपने घर वालों से डट के बात करो और उन्हें समझाओ कि वक्त का तकाजा यही है कि वो अभी तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करें। और आफरीन का क्या है, उसकी शादी तुम कर देना। मैं कैसे, कहने में क्या जाता है? हाँ मतलब आखिर आफरीन है तो मेरी सगी बहन ना। ओहो, तो अगर उस वक्त तुम्हारे पास इतने पैसे हों तो धूमधाम से कर देना, कौन मना कर रहा है तुम्हें। चलो ठीक है, मैं कल सुबह बात करता हूँ। वैसे तुम्हें पता है मैं सोच रहा था कि मैं कितना बदनसीब हूँ, मतलब शादी के शुरू के दिनों में ही अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को अकेला छोड़ दिया, मतलब इन उलझनों में उलझ गया हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी उलझने सुलझा दूँगा। अच्छा।